नमस्कार दोस्तों, योगेश फ्रूट्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो खास तौर से उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं और फ्लूट सीखना चाहते हैं। फ्लूट सीखने के लिए या बांसुरी बजाने के लिए तीन शर्तें हैं जो आपको फॉलो करना होगा और बहुत जल्दी आप फ्लूट सीखना शुरू करिए और फ्लूट बजाना आप सीख जाएंगे। पहली आवश्यकता है कि आपके पास एक फ्लूट हो, पहले से एक बांसुरी आपके पास हो, कोई भी किसी भी ब्रांड की। हाँ, लेकिन ये है कि वो ट्यून्ड हो, परफेक्ट उसके होल हो, ये आपको आपके पास है। अगर है तो आगे की बात आपको बताएंगे, और अगर नहीं है तो आप योगेश फ्लूट्स मंगवा सकते हैं 9354249411 पे कॉल करके, आपको बेहतरीन सस्ती फ्लूट मिल जाएगी जो फाइन होगी, ट्यून्ड होगी, बजाने में बहुत ही खूबसूरत होगी। दूसरी शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, समय निकालिए, तभी आप सीख पाएंगे। और तीसरी चीज़ है, आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरिए। आत्मविश्वास इसलिए भरिए कि हमें किसी और को नहीं सुनाना, हमें खुद संगीत का मजा लेना है। अगर ये तीन चीज़ आप में है तो मैं आपको सिखाऊंगा बांसुरी कैसे बजाते हैं। फ्लूट्स पकड़िए, जैसे बचपन में हम लोग पेन के ढक्कन से या किसी भी खाली पाइप से आवाज़ निकालते थे, हम इसमें आवाज़ निकाल सकते हैं, कोशिश करिए। कई बार आपसे आवाज़ नहीं निकलेगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझसे भी नहीं निकलती थी या सीखने वाले किसी से भी शुरू में नहीं निकलती, पर दो तीन चार बार पांच बार आप प्रयास करके बजा सकते हैं। बजाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लूट को सही तरीके से होल्ड करना है। इस वाले हाथ की तीन उंगली से ये ऊपर वाले तीन होल और नीचे वाले तीन होल बंद करने हैं आप ऐसे। फिर बिना फूंक मारे आप ये ऐसे हटा दीजिए और ये नीचे अंगूठे और ये ऊपर की उंगली से इस फ्लूट को होल्ड करिए खूब ध्यान से, और अब फूंक लगाइए। ऐसे आवाज निकलेगी आपकी, कभी ज्यादा कभी कम, शुरू में ऐसा होगा, लेकिन अपने फूंक पे आप नियंत्रण डालिए और एक जैसी आवाज निकालिए। फिर निकालिए, जब ऐसी आवाज निकलने लगे तो आप ये उंगली उठाने की कोशिश करिए, सिर्फ एक उंगली का अभ्यास करना आपको, याद रहे जल्दीबाजी नहीं करनी, खूब आराम से जितना बताया आपको सिर्फ उतना ही। ऊपर की तीन उंगली बंद, एक बराबर फूंक और केवल एक उंगली का अभ्यास करना है, सा 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 ऐसे ऐसे करके, और फिर तेजी से खूब सांस भरिए और ज्यादा लंबा बजाइए। अब उसके बाद अगली उंगली धीरे धीरे, और यह अभ्यास एक दिन का नहीं है, यह मैं आपको एक हफ्ते का कोर्स बता रहा हूं। अगले दिन दूसरी उंगली, तीन चार दिन बाद लगातार अभ्यास करने के बाद अब ऊपर वाली उंगली भी आपको उठानी है, पर ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर वाली उंगली को आपको थोड़ा सा खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा खोलना है, सिर्फ ये तीन उंगली का अभ्यास।
एक से दो हफ्ते तक सिर्फ इस तीन उंगलियों से, और याद रहे अभी मैं इन स्वरों का नाम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ उंगली के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप एक दो एक, एक दो दो एक, एक दो दो एक, अभ्यास के बाद एक दो तीन तीन दो एक, एक दो तीन तीन दो एक, ऐसे लगातार उठाना और गिराना उंगलियों को। ये अभ्यास जब हो जाएगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगला अभ्यास क्या करना है। याद रहे कोई जल्दीबाजी नहीं, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना, उससे ज़्यादा अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ये वाला भी भूल जाएंगे। और याद रखना, बांसुरी बजाना एक निरंतर अभ्यास से आएगा, ये एक आर्ट है, एक ही दिन में हम सारा नहीं सीख सकते। जब एक ही चीज़ हम बार बार बजाते हैं और अभ्यास करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो हमारे मेमोरी में आ जाता है, और इसको इन्जॉय करें। खाली जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि शुरू में सीखते समय ये लोगों को इरिटेट करता है, पर जब आप बजाना सीख जाएंगे तो लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे और कहेंगे कि मुझे एक गाना सुनाओ। उस दिन के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, एक वक्त लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जल्दी मिलेंगे। योगेश फ्लूट्स में आपका स्वागत है। आप हमें फ्लूट के लिए कॉल कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 9354249411, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्यारी बांसुरी योगेश फ्लूट्स मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।